What's up guys? अरे अरे एक मिनट, हमेशा तो बोलते हुए ये, आज हमें ही बोलने दो। अच्छा ठीक है, फिर बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। तो what's up guys, it's your room, welcome back to the channel everyone। कैसे हैं आप सब लोग? I hope you're doing absolutely fine। खुश बोल लिया आपने, happy। तो अब मैं बोलूं। So guys, today it's 4th Jan। तो बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए हैं। फर्स्ट जैन को प्लान था कि यार अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगा उस दिन में, बट कुछ काम आ गया था इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया। अरे झूठ बोल रहा है ये, आलसी एक नंबर का, कोई काम नहीं था इसके पास। यार आप फिर आ गए यार, थोड़ा हमें भी बोल ले दो, आपने बोल लिया ना। अच्छा सॉरी, जा रहा हूँ। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने 2-3 महीने पहले एक स्टोरी डाली थी इंस्टा पे कि मेरे चैनल से मैंने एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप का एक व्लॉग डाला था, अगर आपने देखा होगा तो। तो वो मेरे चैनल से डिलीट हो चुका था, पता नहीं किसी कारणवश डिलीट हो गया था, पता नहीं क्या कर सकते हैं उसमें। सो उसी के ऊपर आज हम दोबारा वो व्लॉग कंटिन्यू करेंगे मोटो व्लॉगिंग सेटअप का, बिकॉज आपको पता ही है मैंने अपना न्यू मोटो व्लॉगिंग हेलमेट ले लिया है। तो आज हम दोबारा अपना मोटो व्लॉगिंग का जो सेटअप है, माउंट, अच्छे से फिक्स करेंगे। इस बार हम आपको अच्छे से चीज़ सब कुछ समझाएंगे, दिखाएंगे ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। मोटो व्लॉगिंग सेटअप में हमें ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों की। भाई हमें ज़रूरत पड़ती है हेलमेट की, माउंट्स की एंड एमसील की। तो आप सोच रहे होंगे एमसील क्यों? एमसील इसलिए, पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, जबकि आप सोच रहे होंगे कि एमसील का यूज़ क्यों हो रहा है जबकि उसमें 3M टेप भी होती है। 3M टेप का हम यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज 3M टेप इज़ टेम्प्रेरी, हमें परमानेंट सेटअप चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम एमसील का यूज़ करेंगे, बिकॉज क्या होता है ना, हेलमेट का जो चिन होता है जहाँ हम फिट करते हैं वो ऑलरेडी कर्व होता है एंड माउंट भी कर्व होता है। अगर हम इसे फिट कर देंगे तो आपका जो एंगल होता है ना, कैमरे का एंगल होता है, वो टेढ़ा होगा, ठीक है, तो तरीके से ठीक नहीं बैठेगा एंड जो फुटेजेस है वो टेढ़ी आएंगी और मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। तो इसलिए हम एमसील का यूज़ करेंगे वो प्रॉपर फिटिंग के लिए। सो गाइस ये आ गया हमारा हेलमेट, मोटो व्लॉगिंग हेलमेट हमारा न्यू। इसी के ऊपर हम आज करेंगे सेटअप पूरा। हमें ज़रूरत पड़ेगी एमसील की क्योंकि बिकॉज हम इस बार जो सेटअप करेंगे, लास्ट टाइम भी वही किया था, इस बार वही करेंगे, एमसील से फिट करेंगे इसके चिन पर, ठीक है। तो एमसील निकाल लेते हैं, 2 पैकेट मिलेंगे आपको एमसील के अंदर, एक ग्रे होगा एक ब्लैक होगा, दोनों को हम यूज़ कर रहे हैं हमें अच्छे से। चिन पे, ठीक है। सो अब हम जो हमारा माउंट है इसे हम पूरा फिक्स करेंगे इसके अंदर। हमारा माउंट अब हो चुका है पूरा फिट अच्छे से, थोड़ी देर बस इसे हमें सूखने के लिए छोड़ देना है। आधे से एक घंटे में आपका ये जो माउंट है एमसील जो है पूरी सूख जाएगी, तो थोड़ी देर छोड़ दीजिए इसे सूखने के लिए। सो गाइस फाइनली हमारा जो ये माउंट है वो हो चुका है प्रॉपर तरीके से फिक्स, और दिखने में ये कुछ लगेगा कुछ ऐसा। तो ये माउंट फिक्स कर दिया है, ये हमारा जे हुक है, तो ये कुछ लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। इसमें अब हम अपना SJ कैम कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसमें ये SJ कैम
कि जो हाउसिंग है वाली जहाँ हम ये फिट करेंगे, ये देखिए ये लगाएंगे कुछ इसमें, ठीक है। एंड इसमें लगाने के बाद ये होता है हमारा स्क्रू, ये हम लगा देंगे कुछ इस तरह से। सो ये हो जाएगा कुछ फिट इस तरह से, ठीक है, देख रहे हैं ना आप ये। तो हमारा जो एस जे कैम है वो फिट हो चुका है। एंड अब के बाद हम टेस्ट करेंगे फाइनली जिसका हमें वेट था, इंटरेक्शन मोटो व्लॉगिंग करते टाइम, तो उसका जिसका हमें वेट था, तो फाइनली वो चीज़ अब होने वाली है, ठीक है। तो हम टेस्ट करेंगे पूरी चीज़ इसकी कि यार वॉइस हमारी कैप्चर हो रही है या नहीं, जिस चीज़ के लिए हमने यार ये हेलमेट परचेज किया है, ठीक है। सो माइक फिट करके चलते हैं राइड पे, फिर करते हैं बातें आपसे। ये तो डायलॉग हो गया एक तरीके से, माइक फिट करके चलते हैं राइड पे, करते हैं फिर आपसे बात ऐसी कोई छोड़ कोई बात नहीं। सो व्हाट्स अप लवली पीपल्स, दिस इज द नेक्स्ट डे। तो आज टेस्ट कर रहे हैं माइक को कि तो हमारी कैप्चर आवाज़ हो रही है या नहीं। कि बेसिकली जो प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम के लिए न्यू मोटो ब्लॉगिंग अपना हेलमेट लिया है मैंने, मेन चीज़ तो यही है जिस वजह से हमने लिया है। सो आज टेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ अभी टेस्ट करते करते, टेस्ट भी जाएगा और कुछ हमारा काम फिर बचा हुआ है वो भी कर लेंगे। बहुत दिन हो गए तो ब्लॉग नहीं करा, और एक्चुअली क्या है अपने मेरा जो दोस्त है जिसकी चड्डी में छेद, अपना सागर भाई, वो गए हुए बाहर, वो आएगा अब 10 तारीख को, ठीक है। सो जब भी हम ब्लॉग करने जब भी मैं जाता हूँ तो वो साथ में जाता है, तो उसकी बहुत याद आ रही है कि यार कब आएगा साथ में ब्लॉग करेंगे, अच्छा अच्छे ब्लॉग निकालेंगे। अभी एक्चुअली क्या है थोड़ा सा काम भी जा रही है ऑफिस में, इस वजह से ब्लॉग भी कम आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 1 तारीख को प्लान था कि यार न्यू ईयर पे ही एक ब्लॉग करूँगा अच्छा सा, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाई, देखो यार को पता ही है काम बहुत है। अब 4 जन को इसलिए मैंने ब्लॉग करा जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो कल एक्चुअली क्या था, बहुत लेट हो चुका था, ठीक है, तो रात को कुछ काम आ गया था, इस वजह से मैं अपनी आपको पता ही है MCC लगाया था, सूखने भी टाइम लगा था, इस वजह से कल रात को भी कर नहीं, वरना मैं कल ही रात को ये एडिट करके सब टेस्ट करके अगर वॉइस अच्छी कैप्चर हो रही है तो सारी चीज़ टेस्ट करके मैं एडिट करके ब्लॉग डाल देता और आप देख लेते। लेकिन ये ब्लॉग जो आएगा अब वो आएगा कल 6 जैन को। अब क्या कर सकते हैं, जो बट नेवर दी लेस ब्लॉग आएंगे। ज़्यादा कुछ था नहीं, बस अपना जो सेटअप मैंने करना था। एक्चुअली हुआ भी क्या था ना, मैंने जो इंस्टा स्टोरी डाली थी अपनी पहले 2-3 महीने पहले कि जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का जो मेरा ब्लॉग था वो डिलीट हो चुका था, बट वही है, वही चीज़ हमने कंटिन्यू करी है। जिसने नहीं देखा वो देख लेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि मोटो ब्लॉगिंग का जो सेटअप है हम कैसे हेलमेट पर अपना माउंट फिक्स कैसे करें, हाउ टू फिक्स द माउंट ऑन हेलमेट। तो जिसने नहीं देखा था वो देख लेगा, अभी तो बहुत लोग इन्होंने देखा होगा बिकॉज आप सब्सक्राइबर देख रहे हैं, बट नेवर दी लेस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल देने के लिए बैठा है ऊपर वाला, बस उसी इंतजार में बैठे हैं, जब फल देगा तो अच्छे से ही देगा, वो पता ही है। तो ट्रैफिक, मैं अभी लाजपत नगर में फ्लाईओवर के पास हूँ, रब ट्रैफिक देख रहे हैं ना, ये सिर्फ रेड लाइट का ट्रैफिक है, उसके बाद पूरा खाली है। पता नहीं ये लोग ट्रैफिक लगाते कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ नहीं रहा अभी, और समझ में आता भी नहीं है कि ट्रैफिक लगाते क्यों है ये। तो भाई जो काम था हमारा लाजपत नगर में वो हो चुका है, यहाँ से निकल गए हैं अब हम
सबसे पहले तो यार रिफिलिंग कराते हैं, हमारी जो ब्लैक ब्यूटी है उसको लगी है भूख, उसको खिलाते हैं पहले कुछ खाना, फिर निकलते हैं। और बाकी जो उस दिन मेरा काम पेंडिंग था, ऐसे मैंने बोला था अपना जो व्लॉग मैंने बनाया था आफ्टर लॉन्ग टाइम वाला, उसमें जो काम पेंडिंग रह गया था मेहरुली में, तो वो भी आज ख़त्म करेंगे, वहाँ भी चलेंगे, टेस्टिंग की टेस्टिंग हो जाएगी हमारी और काम का काम हो जाएगा। हम पेट्रोल फिल कराएंगे इंडियन ऑयल, मैं हमेशा एक्स्ट्रा प्रीमियम ही इसमें फिल कराता हूँ। और ये जो मैं यहाँ पर आया हूँ वो है नेहरू नगर पेट्रोल पंप, एक्स्ट्रा प्रीमियम। सो पेट्रोल फिल करा लिया है, निकलते हैं यहाँ से। क्या कर रहे हो भाई साहब, मतलब फुल मारने की तैयारी है। सो होप करता हूँ आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, कम से कम विंड ब्लास्ट में। यार होगी ना, मुझे बहुत वो लग रहा है अभी कि यार विंड ब्लास्ट ना हो रहा हो, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो विंड ब्लास्ट की ही है, लेकिन जो मेन इशू जो होता है वॉइस कैप्चर ना होने का वो विंड ब्लास्ट का ही होता है। तो डेट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस। और गाइस एक चीज़ और आपसे आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक चीज़ और कि 10 या 11 तारीख को एक बहुत ही ऑसम व्लॉग आने वाला है, और हो सकता है मैं होप करूँगा ऐसा कि अभी तक का वो वन ऑफ माय बेस्ट व्लॉग हो, अभी तक का जितने भी मैंने व्लॉग्स अभी अपलोड करे हैं आपने देखे हैं उन सब में से वन ऑफ माय बेस्ट व्लॉग हो वो, क्योंकि बहुत कुछ सोच रखा है मैंने उसके लिए, उस व्लॉग के लिए तैयारी पूरी कर रखी है। अब बस वेट है 10-11 तारीख का, उस दिन शूट है। सो होप करता हूँ वो व्लॉग अच्छा है, आप लोगों को पसंद आए मेरी तरह, और मेरे लिए वो बेस्ट व्लॉग बन जाए अभी तक की व्लॉग का। बाकी आपके लिए तो हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालते रहेंगे, बनाते रहेंगे, ठीक है। एंड यार अगर आप ब्लॉग्स देखते हो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार लाइक करके जाया करो, बुरे लगते हैं डिसलाइक करा करो, ठीक है। एंड अपने कमेंट भी करा करो, एक्चुअली उससे होता क्या है, लाइक से पता लगता है कि यार आपको ब्लॉग पसंद आ गया, डिसलाइक करो यार कि मुझे पता लगेगा कि हाँ अच्छा नहीं बना होगा, तो उसको थोड़ा सा और हम इम्प्रूव करेंगे उस ब्लॉग को, मतलब अपने नेक्स्ट ब्लॉग जब करेंगे उसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ में। कमेंट करो कि आपको क्या चीज़ उस ब्लॉग में पसंद नहीं आई, फिर हम उस चीज़ को भी अपने उसमें इम्प्रूव करेंगे। जब तक आप नहीं बताओगे नहीं बोलोगे तब तक कैसे पता लगेगा कि प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, एंड डिसलाइक भी करो, पसंद नहीं आ रही, पसंद आ रही है तो लाइक कर दो बस। एंड सब्सक्राइब की बात तो मैं आपको कितना बोलूँ कि सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करो कि आपका नोटिफिकेशन आती रहे। एंड बाकी आपका फ़ोन है, आप देख लो क्या करना है आपको क्या नहीं। बट अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, लगते हो मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, जो मैंने चीज़ें बताई हैं अपने इस व्लॉग में। सो होप करता हूँ आपको लाइट हो गई। सो गाइज आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, जो चीज़ मैंने इस व्लॉग में बताई है आपने वो चीज़ सीखी हो कि माउंट कैसे सेट करें अपने मोटो व्लॉगिंग हेलमेट में। सो
व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड मेन चीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एज ऑलवेज खुश रहिए, अपने आसपास के लोग खुश रखिए, एंड बाय बाय।